तो दोस्तों एक बार फिर आया थोड़े वास्ते बहुत ही वधिया अपडेट लैके। तो अपडेट ये है दोस्तों कि सीआरपीएफ दे वल्लों सब इंस्पैक्टर एएसआई कॉन्सटेबल कुक ते होर बथेरी वैकेंसी जिहड़ी है अनाउंस हो चुकी है। तो इन्हां दा ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों अज नाल लैके आए हैं। जे तुसीं इन्हां दे विचों किसी पोस्ट दे विच इंटरस्ट रखदे हो तां अज दा वीडियो थोड़े वास्ते बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। सो ये जिहड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है सीआरपीएफ दे वल्लों जारी होए है। तो इत्थे दोस्तों स्पेशली पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती हो रही है। गल करिए दोस्तों थोड़े फॉर्म की, तो 20 जुलाई तो फॉर्म फिलअप होनी स्टार्ट हो जाएंगे। 31 अगस्त तक तुसीं अपने फॉर्म जिहड़े भर सकते हो। तो एग्जाम की डेट दोस्तों इन्होंने लिखी हुई है 20/12/2020। उस तो बाद दोस्तों गल आती है वैकेंसीज की, तो इतने दोस्तों काफ़ी सारी वैकेंसीज अनाउंस हुई है। कोई एक अनाउंस हुई है, कोई दो अनाउंस हुई है, बट आप दोस्तों उन्होंने वैकेंसीज की इतने गल कर लेंगे जी काफ़ी व्डे पद्धर के उत्ते अनाउंस हुई है, यानी कि जिन्हें पोस्टा 50 तो अबाव है। तो सब तो पहले दोस्तों गल कर लेंगे इतने सब इंस्पैक्टर स्टाफ नर्स की। तो इतने दोस्तों पोस्टा जी 175 इन्होंने अनाउंस करी है। सैलरी तुम इतों देख सकते हो, क्वालिफिकेशन है जी 12वीं, नाले अधे साल का तुम जो है डिप्लोमा कर नर्सिंग का। दोस्तों स्टेट ज सेंटर नर्सिंग काउंसिल है उत्थे जे तुसीं रजिस्ट्रेशन करवाया होया तां तुसीं अपने फॉर्म जिहड़े फिलअप कर सकते हो। 30 साल दोस्तों इत्थे एज रखी गई है, ठीक है। उस तो अलावा दोस्तों जी होर वड्डे पद्धर दे उत्ते पोस्ट अनाउंस हुई है वो इत्थों तुसीं देख सकते हो। ना है असिस्टेंट सब इंस्पैक्टर, इन्हां दी 84 पोस्टां दोस्तों अनाउंस हुई है। सैलरी तुसीं देख सकते हो, क्वालिफिकेशन है जी 12वीं, 2 साल का डिप्लोमा थोड़े कोल होए, नाले दोस्तों थोड़ा जिहड़ा है रजिस्ट्रेशन होए, उम्र है जी 20 तों 25 साल। उस तो अलावा दोस्तों जी होर वड्डे लैवल की पोस्ट इतने अनाउंस करी गई है असिस्टेंट सब इंस्पैक्टर लैबोरेटरी की है। इतने दोस्तों 64 पोस्टा अनाउंस करी गई है। 10वीं थोड़ी साइंस के नाल पास होए तो डिप्लोमा होए दोस्तों थोड़े को मेडिकल लैबोरेटरी का, तो तुम इतने फॉर्म जोड़े फिलअप कर सकते हो। उम्र हद है जी थोड़ी 20 तों 25 साल विचाले। अगे दोस्तों वे लैवल की जी पोस्ट अनाउंस हुई है वो है जी हैड कॉन्सटेबल, इस नर्सिंग वाली हैड कॉन्सटेबल है। 88 पोस्ट है जी, सैलरी इतों देख लो। तो 12वीं पास होए थोड़ी, 2 साल का डिप्लोमा थोड़े को होए, नाले 1 साल का एक्सपीरियंस जो थोड़े को है किसी होस्पिटल का, तो तुम फॉर्म जोड़े फिलअप कर सकते हो। उम्र हद 18 तों 25 साल रखी गई है। अगे वे दोस्तों गल करते हैं नैक्सट पोस्ट की। तो इतने दोस्तों हैड कॉन्सटेबल एक्सरे वाले की पोस्ट अनाउंस हुई है। 84 पोस्ट है, सैलरी 25,500 तो स्टार्ट होगी, 81,100 रुपये तक जाएगी। इतों क्वालिफिकेशन देख सकते हो दोस्तों 20 तों 25 साल एज रखी गई है। अगे वधे दोस्तों गल करते हैं जी होर वड्डे लैवल से पोस्ट अनाउंस हुई है जी, वो है कॉन्सटेबल कुक की। इस दोस्तों कोई भी लफड़ा नहीं, 116 पोस्ट अनाउंस हुई है। 21,700 रुपये तो सैलरी स्टार्ट होकर 69,100 रुपये तक सैलरी रहेगी। जे तुम 10वीं पास करी हुई है तो तुम ईजली ये फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हो। उम्र हद थोड़ी मंगी गई है जी 18 तों 23 साल के विचाले। अगे दोस्तों एक होर जी पोस्ट अनाउंस हुई है वड्डे लैवल की, वो है जी कॉन्सटेबल सफाई कर्मचारी की। 121 पोस्टा दोस्तों अनाउंस करी गई है। सैलरी उन्होंने सेम है दोस्तों, तो 10वीं इस वास्ते पास होनी जरूरी है। नाले दोस्तों हिंदी तो अंग्रेजी का नॉलेज होना थोड़ा बहुत जरूरी। सो जो तुम फिजिकली फिट हो तो इस पोस्ट वास्ते जा सकते हो। 18 तों 23 साल विचाले एज मंगी गई है। उस तो बाद दोस्तों ये छोटी छोटी पोस्टा जी अनाउंस हुई है, कोई एक अनाउंस हुई है, कोई दो अनाउंस हुई है। इन्हों का डिटेल तुम दोस्तों नोटिफिकेशन के आराम नाल रीड कर लियो। तो नोटिफिकेशन का लिंक जॉब न्यूज़ अड्डा का दोस्तों जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके उत्ते मिल जाएगा। नाले अपना जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का उस भी दोस्तों तुम्हें लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, उतों भी तुम चैक कर सकते हो। तो ये दोस्तों सारे कैंडिडेट फॉर्म जो फिलअप कर सकते हो, भावें तुम किसी भी स्टेट के हो, कोई इतने इशू नहीं है। इसकी छूट दोस्तों तुम इतों देख सकते हो, SC ST 5 साल की, OBC 3 साल की छूट मिलेगी। बाकी जो एक्स सर्विसमैन है दोस्तों उन्होंने 3 साल की छूट मिल जाएगी। तो होर जी कैटेगरी है दोस्तों वो अपनी छूट इतों देख सकते हो। तो गल करिए दोस्तों हूँ इतने फीस की, जनरल कैटेगरी EWS से OBC मेल कैंडिडेट में ही फीस लगेगी। जे दोस्तों तुम ग्रुप B के फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो 200 रुपया पे करना होगा। ग्रुप C के दोस्तों थोड़ू लगेगी जी 100 रुपया फीस। बाकी SC ST तो फीमेल कैंडिडेट में इतने कोई फीस नहीं लगेगी। फिजिकल स्टैंडर्ड जो दोस्तों इतने आराम नाल तुम देख लो, हरेक वैकेंसीज का दोस्तों आपके हिसाब से फिजिकल स्टैंडर्ड होगा। दोस्तों एक कॉमन फिजिकल स्टैंडर्ड जो है लिखा हुआ है। बाकी दोस्तों नोटिफिकेशन के आराम नाल देख के अपने फॉर्म जो फिलअप कर दो। कोई प्रॉब्लम आए तो दोस्तों तुम कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो वधिया लगी दोस्तों लाइक शेयर कर दो। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उदों तक के लिए रब राखा।